क्या आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं? कैसा होगा मेरा भविष्य इस बात से अनजान है। तो आज लाया हूँ कुछ यूजफुल तथ्य, जिंदगी के कुछ कटु सत्य। जिंदगी अपने आप नहीं संभलेगी जब तक आप नहीं संभलोगे। जिंदगी अपने आप नहीं संभलेगी जब तक आप नहीं संभलोगे। अबे कुछ नहीं बदलेगा यार जब तक आप नहीं बदलोगे। कुछ अच्छा नहीं होगा जब तक तुम खुद अच्छा नहीं करोगे। अरे ये तो मेरे बस की ही नहीं है, ये सोचकर कब तक डरोगे। सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन किस्मत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए ना तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होगा। खुशियों का फूल सबकी जिंदगी में खिलता है, खुशियों का फूल सबकी जिंदगी में खिलता है। हम सबको जिंदगी में एक ना एक बार मौका जरूर मिलता है। सर्द हवा भी कभी ना कभी जरूर चलती है। जिंदगी में परेशानियां तो सबको मिलती है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन सिचुएशंस में क्या एक्शंस लेते हो। अगर आप आने वाली परेशानियों को झेल गए, अगर आप खुद पे आई हुई परेशानियों को झेल गए, तो समझ लेना कि सही खेल गए। अगर आप इंतजार कर रहे हो कि देश बदल जाएगा, अगर आप इंतजार कर रहे हो कि आपकी जिंदगी की सिचुएशंस बदल जाएंगी, अगर आप इंतजार कर रहे हो कि आपके मार्क्स बदल जाएंगे, अगर आप इंतजार कर रहे हो कि आपकी सैलरी बदल जाएगी, और अगर आप इंतजार कर रहे हो कि आपके खराब रिलेशंस बदल जाएंगे, तो भाई खत्म हो जाओगे अगर अब भी नहीं संभलोगे। खत्म हो जाओगे अगर अब भी नहीं संभलोगे। अबे कुछ नहीं बदलेगा यार जब तक खुद नहीं बदलोगे। अगर तुम्हें बेटर लाइफ चाहिए तो पहले खुद बेटर बनो ना। अगर आप खुद को बदल लोगे तो इस दुनिया की हर चीज आपके लिए खुद ब खुद बदल जाएगी। अपना बिहेवियर अच्छा करो, लोगों का बिहेवियर अपने आप अच्छा बन जाएगा। अपने काम में बेस्ट दो, आपका रिजल्ट अपने आप बेस्ट बन जाएगा। आप जो कर रहे हो उस काम की क्वालिटी को बेहतर बनाओ, आपके इनकम के डिजिट्स अपने आप बढ़ने लगेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो पहले खुद अच्छे बनो ना यार, और जब आप अच्छे बन जाओगे तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अपनी जिंदगी को, अपने गोल्स को इस संसार की मोहमाया से ऊपर रखो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। कहीं भी जाके खड़े हो तो अपना प्रभाव लेके आओ, रोज अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लेके आओ। इंतजार मत करो, क्योंकि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। कोशिश करोगे तो जीत मिलेगी, दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी। अब सुनो, जरा रुको और सोचो तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, किन चीजों को अभी इसी वक्त रोक देना चाहिए, किन चीजों को इंप्रूव कर सकते हो और कैसे, कौन सी ऐसी नई चीजें हैं जिनको करने से तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनेगी। अपनी जिंदगी के खुद ही शैतान बने बैठे हो, अपनी जिंदगी के खुद ही शैतान बने बैठे हो। अरे आप सब कुछ जानते हो यार, फिर भी अनजान बने बैठे हो। पॉजिटिविटी की छलनी से आज खुद को छानना पड़ेगा, पॉजिटिविटी की छलनी से आज छानना पड़ेगा। दुनिया से बाद में बनेंगे यार, पहले खुद से ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। हर उस चीज को अपनी जिंदगी से डिलीट मार दो जो तुम्हारे सपनों के बीच में आ रही है, हर वो चीज जो तुम्हारे गोल से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हारे हौसलों की बैटरी को लो कर रही है, उखाड़ के फेंक दो जो तुम्हें स्लो कर रही है। क्या वो टीवी है, बंद कर दो। कुछ ऐसे लोग हैं जो डिमोटिवेट कर रहे हैं, इग्नोर मारो उन्हें, उनसे ना हो पाएगा। कुछ ऐसी बुरी आदतें आज ही सोच लो कि छोड़ दी, कोई बैड रिलेशनशिप, बैड मेमोरी भूल जाओ कि वो एग्जिस्ट करता था। ये तुम्हारी जिंदगी है यार, तुम्हारे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस संसार में और कुछ भी नहीं। मजबूत बनो, अटूट बनो, विशालकाय बनो, विकराल बनो, नेगेटिविटीज पे प्रहार करो, और जो भी करो विद रफ्तार करो। लोग सही कहते हैं कि रिश्ता हमेशा बराबर वालों के साथ होता है। ये दुनिया एक स्वयंवर है यार, एक ऐसा स्वयंवर जिसमें लोग लाइन लगा के खड़े हैं सफलता के साथ शादी करने के लिए, लेकिन सफलता चाहती है कि आप खुद को पहले उसके बराबर लेके आओ। क्योंकि ये बात सफलता को भी पता है कि रिश्ता हमेशा बराबर वालों के साथ ही होता है। अगर आप खुद को सफलता के बराबर लेके आओगे तभी वो आपके गले में वरमाला डालेगी। रेज योर लेवल मैन, अपग्रेड योर सेल्फ। अगर आज ये सब जानने के बाद भी आप अपना लेवल सफलता के बराबर नहीं ले जा पा रहे हो, तो याद रखना कि गलती सफलता की नहीं, गलती आपकी होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी, आपको सब कुछ पता था यार, फिर भी आप अपना लेवल उसके बराबर नहीं ला पाए। रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। 99% लोग आज भी आसान रास्ता चुनेंगे, फिर जिंदगी में कुछ बड़ा करने से डरेंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है आज और इसी वक्त सब कुछ बदलने का। क्योंकि अगर आप भी उन 99% लोगों की तरह होते ना, तो अब ये वीडियो यहां तक नहीं देख रहे होते। आज ही डिसाइड कर लो कि बस बहुत हो गया यार, मुझे अपनी जिंदगी को अभी और इसी वक्त बदलना है। उसी सेकंड जब ये वीडियो खत्म होगी, अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर देना है। हर उस चीज को खत्म कर देना है जो आपके बीच में आएगी, और फिर देखना एक दिन सफलता तुम्हारे भी गले में वरमाला पहनाएगी। जिंदगी हसीन हो जाएगी, बेरंग चीजें रंगीन हो जाएगी। हमारी जिंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। तो यार उस चीज के लायक बनो, अपनी जिंदगी के खुद ही नायक बनो, और फिर देखना जिंदगी कितनी हसीन होगी। क्योंकि बादाम खाने से अकल नहीं आती मेरे भाई, धक्के खाने से आती है। इसलिए धक्के खाते रहो और कदम आगे बढ़ाते रहो। और हाँ, सिर्फ अपना भला नहीं करना यार, पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी फैलानी है, जैसे कि हम लोग फैला रहे हैं। उस इंसान के बारे में सोचो जिसको आप अपने साथ ग्रो करता हुआ देखना चाहते हो, और उसको अभी ये वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप,
व्हाट्सएप या फिर ईमेल कैसे भी हो शेयर।